जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, सब ठीक ठाक से? दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेके एसएससी जीडी मेडिकल कैसे होने वाला है, कब होगा मेरे दोस्तों ज्वाइनिंग के टाइम। ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल हार्ड या ईजी होता है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मेडिकल के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम मिल जाएगा तो आप लोगों को निकल भी सकता है, क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट में लिखा रहता है 3 साल के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलेगा तब आपको घर भी भेज सकता है, आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। दोस्तों क्या क्या सेव होता है, दोस्तों आई टी जैसे अभी मेडिकल चेक हुआ था वैसे मेडिकल चेक होगा क्या नहीं ज्वाइनिंग के टाइम, आप पूरा प्रॉपर वीडियो को देख लेना तभी आपको समझ में आ जाएगा, जो भी टेंशन है आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं इसलिए इस वीडियो लेके बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि जितना कैंडिडेट है अभी ज्वाइनिंग के टाइम आपको उनका बहुत आदमी का डर हो रहा है, कहीं थोड़ा सा गलती के लिए उसको मिस्टेक ना हो जाए, उसका नौकरी ना चला जाए, इसलिए मैं इस वीडियो में बनाने का उद्देश्य है। और मेन बात आ जाता है दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो तो हर वीडियो देखता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सभी को सावधान होना चाहिए, जिसका जो प्रॉब्लम है मैं बता भी दूंगा इस वीडियो में। और मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ इन्फॉर्मेशन लेके मैं वीडियो में बनाता हूँ आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों को हेल्प होना चाहिए। नौकरी का टेंशन सभी का रहता है, हमारा भी टेंशन हुआ था, मेडिकल मेरा भी हुआ था ज्वाइनिंग के बाद कैसा हुआ था, और आप लोगों को भी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों का भी मेडिकल कैसा होगा, किस चीज़ में आपको ध्यान देना जरूरी है। चले तो फिर स्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा आपका, मैं पहले आप लोगों को एक बार बताने वाला हूँ, आप बुरा मत माने, अभी आप लोग थोड़ा सा सेफ्टी में रहिए, क्योंकि अभी बाइक फोर व्हीलर हो, रनिंग नहीं करना है, अभी फर्स्ट बात बता देता हूँ, रनिंग नहीं करना है, जिम नहीं करना है, कहीं इधर उधर आपको भटकना नहीं है, अभी थोड़ा सा शांत में रहिए। ज्वाइनिंग के बाद आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्वाइनिंग से पहले आपको कोई ऐसा काम मत कीजिए जो उससे आपका प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जैसे ज्वाइनिंग का आपका डेट मिल जाएगा उससे पहले आपका कुछ हो जाएगा आपको प्रॉब्लम, वो लोग जवाबदार नहीं, कुछ जवाबदारी है, आपका नौकरी चला जाएगा, ज्वाइनिंग करने के लिए आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके बाद आ जाता है आपको ज्वाइनिंग से पहले, मैं तो बोले आपको बाइक में भी जाने से आप लोग थोड़ा सा अच्छा से चाहिए, उसके बाद आप फोर व्हीलर में भी जाने तो अच्छे से चाहिए, जो है ड्रिंक हो कुछ भी हो अच्छा से, मतलब इतना आप मत कीजिए, क्योंकि अभी आपका मेडिकल भी होगा अभी ज्वाइनिंग के टाइम में। और दोस्तों इतना सारा होने के बाद आप जैसे आप लोग थोड़ा सा सावधान में रहेगा और आपका मेडिकल भी ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ज्वाइनिंग कब होगा दोस्तों, अक्टूबर में आपका ज्वाइनिंग होगा। जैसे आप लोगों का मेडिकल कैसे होगा, ज्वाइनिंग करने के बाद कितना दिन के बाद मेडिकल होगा, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोगों का मेडिकल कब गया है, जुलाई से आपका मेडिकल स्टार्ट हो गया है ना। ऐसे जो मेडिकल का रूल है दोस्तों, 1 साल में 1 ही बार मेडिकल होता है, तब भी आप लोगों का ट्रेनिंग जाने से पहले एक बार मेडिकल जरूर होता है, क्योंकि किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ट्रेनिंग में, कोई किसी का तो दिक्कत तो नहीं पड़ेगा, इसलिए दोस्तों बाकी कोई इसका ये नहीं है। आप लोग बहुत आदमी का मन में ये सवाल हो रहा है, सर मेरा तो ये प्रॉब्लम था, मैं पास हो गया, बाद में और क्या दोबारा मुझे निकल लेगा, मैं क्या करूँगा, मेरा गाँव वाला मुझे हंसेगा, मेरा दोस्त हंसेगा, मुझे नौकरी हो गया, ये बात मैं जो बोला ना मेरा दिमाग का है, और मैं यही बात मेरा दिमाग में भी आया था मेरा टाइम में, क्योंकि मुझे भी, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब घर से बिलोंग करता था, और मुझे यही दिमाग में हमेशा था, अभी तो मेडिकल पास हो गया, कोई और दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा मेडिकल के दौरान मुझे घर भी निकल सकता है, क्योंकि उसमें डॉक्टर डायरेक्ट भी बोला था। आज हम बताने वाला हूँ एसएससी जीडी 2023 एग्जाम बैच बुक के बारे में, जो कि साक्षो प्रकाशन की है, और इस बुक से आप अपना तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। और इसमें आपको 2800+ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बनाया गया है बुक में, और ये सिलेबस के आधार पर इस बुक को बनाया गया है, और आप इस बुक से पढ़ाई कर जरूर सक्सेस हो पाएगा। साथ में 2 प्रैक्टिस सेट भी आता है, और इस प्रैक्टिस सेट भी आप अपना तैयारी और मजबूत कर सकता है, चाहे तो आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकता है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। किसी को भी मतलब कि कुछ प्रॉब्लम मिलेगा तब घर भेज देगा, और डॉक्टर के हाथ में वो पावर रहता है दोस्तों। अभी आप लोगों का मेडिकल क्या क्या होगा दोस्तों, मेडिकल भारत में आप लोगों को बहुत कुछ बता देता है, मेडिकल में इतना ज़्यादा नहीं होता है, मेडिकल में होता है आई टेस्ट होगा जरूर, उसके बाद आपको दांत नाक कान ये चीज नहीं होता है दोस्तों, नॉर्मल होगा आई होता है, उसके बाद आपको हैंड मेडिकल भी नहीं होगा, डिस्टेंस जरूर पढ़ाएगा आपको, और कलर विजन भी नहीं होगा इतना, बस आई डिस्टेंस है आपको, कोई कोई डॉक्टर है तो डिस्टेंस आपको पढ़ाने के लिए बोल सकता है, और आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हाइट, वेट, ये चीज, बाकी आपका कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं आपका बीमार रहेगा, क्या फ्रैक्चर हो रहा है, क्या दांत नहीं है, क्या कान नहीं है, वो नहीं चीज देखेगा, सिर्फ आई टेस्ट से होगा, उसके बाद आपको फ्लैट फुट भी नहीं होगा, नोकनी भी नहीं होगा, सिर्फ आई टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट,
और वेट आपको जिंदगी भर आपका देखेगा। यही चीज आपका हर साल मेडिकल में रहेगा दोस्तों, क्योंकि ब्लड से सब कुछ पता चल जाएगा, बीमार नहीं होने से। बाकी साइड से आपको कोई प्रॉब्लम होने से भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं इधर दबा हुआ है, किसी का टूटा हुआ है, उसके कोई मतलब नहीं है। बस इतना है, आपका टेंशन खत्म हो गया ना। कोई भी आपको बोलने दो घर भेज देगा, घर किसी को नहीं भेजता है आजकल, पहले जमाना था घर भेज देता था। अभी दोस्तों किसी का आई प्रॉब्लम होने से भी आपको चश्मा पहना देगा, तब भी आपको घर नहीं भेजेगा दोस्तों। जिसका कलर विजन प्रॉब्लम था, हमारा उधर का है, वो नौकरी हो गया कलर विजन ने, आई डिस्टेंस में उसका प्रॉब्लम था, कलर विजन ना डिस्टेंस में, मतलब ज्वाइनिंग होने के बाद पिछले साल भी बहुत SSC में ज्वाइनिंग किया जिसका कलर विजन भी प्रॉब्लम था, क्योंकि पास हो गया था। किसी को घर नहीं भेजेगा दोस्तों, हमारा टाइम में भी किसी का जो ऐसे नॉर्मल होता है मेडिकल दोस्तों, आई टेस्ट बाद में ना, ज्वाइनिंग के बाद आई टेस्ट नहीं होता, ट्रेनिंग जाने से पहले आपको हो सकता है आपको पढ़ने के लिए दे सकता है, लेकिन बाद में तो कोई मेडिकल है कुछ नहीं है दोस्तों, बस यूरिन ब्लड और आपको ना बाइल्स टेस्ट देखेगा, कोई टेस्ट नहीं देखेगा, बस यूरिन ब्लड टेस्ट और आई टेस्ट, ये तीन क्योंकि मेन है। फोर्स में आपको रहने के लिए आपको आँख जरूरी है, आई, उसके बाद आपको ब्लड की वो देखता है कुछ बीमार तो नहीं है अंदर, इसके बाद आ जाता है यूरिन, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, बस इतना ही दोस्तों देखते हैं, बाकी कोई नहीं दोस्तों। टेंशन नहीं लेना है, ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाए, सावधान रहिए, शरीर अच्छा से रहिए, मेल हो फीमेल हो सभी को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्वाइनिंग आपका अक्टूबर में फर्स्ट वीक से भी हो सकता है दोस्तों, बहुत एडवांस हो गया, क्योंकि अभी मेडिकल भी एडवांस हो गया है, इसका वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सबसे पहले ना साथ में पहले कल दबा रहा। जय हिंद, बोला।